अध्याय एक श्लोक क्रमांक 28। अर्जुन वाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। यहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है।